सो हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE SummerSlam 2020 पे पर व्यू में होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में कि कौन यहां पॉसिबली जीत सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस बार का समर स्लैम पेपर व्यू बेहतरीन होगा क्योंकि WWE ने यहां बेहतरीन मैचेस के साथ ही साथ सभी मैचेस का अच्छे से बिल्डअप किया है। यहां यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन अपना यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करेंगे द फीन्ड के खिलाफ। और दोस्तों रसलमेनिया के बाद से ही ब्रॉन स्ट्रोमन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन रहे हैं और अब ब्रॉन स्ट्रोमन और द फीन्ड की स्टोरी लाइन में एलेक्सा ब्लिस को भी शामिल कर लिया गया है। लास्ट वीक ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना नया रूप दिखाया जो कि एक ट्रू मॉन्स्टर वाला रूप था और उन्होंने एलेक्सा ब्लिस पर भी हमला कर दिया जिसके बाद फीन्ड वहां आ जाते हैं। दोस्तों इस मैच में हमें पॉसिबली टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है यानी कि द फीन्ड हमें दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब एलेक्सा ब्लिस द फीन्ड का साथ दे सकती हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को हराने में और द फीन्ड अपनी चालाकी और माइंड गेम्स के जरिए सेकेंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन का टाइटल रेन भी यहाँ काफी लंबा हो चुका है जिसकी वजह से टाइटल चेंज एक्सपेक्टेड है इस बार। वहीं बेटिंग ऑड्स भी द फीन्ड के पक्ष में हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन इस मैच में जीतना चाहिए, ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर द फीन्ड? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।